नैनीताल जिले में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की स्थितियां देखने को मिल रही है। मलबे की चपेट में आने से एक बस बाल बाल बच गई। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। वीर भट्टी पुल के पास चट्टान खिसकने की वजह से पूरा जो मलबा है वो सड़क पर आ गया। हल्द्वानी जोलीकोट भवाली नैनीताल बाईपास मार्ग बंद कर दिया गया है। आवागमन बंद है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। मार्ग खुलवाने की लगातार कोशिशें जारी है। मलबे को हटाया जा रहा है लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि मलबे को हटाने में भी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि लगातार मौसम की वजह से परेशानी लोगों को हो रही है। बता दें कि वाहनों को भीमताल के रास्ते अब डाइवर्ट किया गया है। तो कुछ तस्वीरें भी आपके सामने, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। इसके पहले भी तस्वीरें सामने आई जहां पर लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है। लोगों को, यात्रियों को सबसे ज्यादा यहां दिक्कतें हो रही है। हालांकि राहत की बात यहां पर ये रही कि जो बस यहां से गुजरने वाली थी वो सही समय पर रुक गई और बाल बाल बच गई, नहीं तो मलबे के नीचे ये बस दब सकती थी। सड़क पर अचानक ही ढेर सारा मलबा आ जाता है। लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ। बाल बाल बस में जो यात्री थे वो बच गए और दहशत के कारण ये यात्री बस से बाहर उतरकर दूर भागने लगे। तस्वीरें आपके सामने। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये स्थितियां बहुत सामान्य अब लगने लगी हैं क्योंकि मौसम का मिजाज ही कुछ ऐसा हो गया है कि परेशानियां हर दूसरे दिन आ रही है। लैंडस्लाइड की हर तस्वीर दर्शकों को तक हम पहुंचा रहे हैं। एक और तस्वीर जिसकी दहशत में लोग नजर आए, बस से उतरकर भागने लगे। सिर्फ राहत ये रही कि समय पर बस रुक गई और लोग यहां पर भागते हुए नजर आए, बच गए। लेकिन ये स्थितियां बहुत भयावह भी हो सकती थी। बिल्कुल जी, ठीक कहा आपने, क्योंकि अगले अभी 2 से 3 दिन का अलर्ट है उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का और नैनीताल जिले के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। तो दरअसल कल रात से ही जो है भारी बारिश नैनीताल जिले में हो रही है और जिसका आज ताजा उदाहरण है देखने को मिला है कि जोलीकोट के पास में जो भारी लैंडस्लाइड हुआ है, ये दरअसल इसको ये कहा जाना चाहिए कि जो मौत के मुंह में समाने वाली जो बात थी वो सही साबित हो सकती थी। जो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जैसे ही बस आगे बढ़ रही थी जोलीकोट की तरफ वैसे ही चट्टान जो है स्लाइड हुई और अचानक जो है मलबा वो नीचे सड़क पे आ गिरा। बाल बाल बच गए यात्री क्योंकि जैसे ही बस आगे बढ़ने वाली थी हो ये सकता था कि जो मलबा था बस के ऊपर आ सकता था, लेकिन इसको गॉड गिफ्ट ही कहा जाना चाहिए। विनोद, अभी मलबे को हटाने का काम क्योंकि चल रहा है लेकिन सीधे तौर पर हम देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से मलबे को हटाने में भी बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, तो ये रास्ता अभी पूरी तरीके से बंद है? बिल्कुल, अभी रास्ता पूरे तरीके से बंद है क्योंकि जो लैंडस्लाइड हुआ है भारी मात्रा में हुआ है और जैसे ही जानकारी प्रशासन को मिली है, क्योंकि प्रशासन ने 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, रेस्क्यू की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया था। जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली है, पुलिस और प्रशासन दोनों टीमें मौके पर मौजूद है क्योंकि बारिश रुक रुक कर हो रही है। अभी नैनीताल जिले में दिन में भी बारिश हुई थी, शाम के समय में फिर बारिश हुई है। तो जैसे ही थोड़ा सा मलबा हटाया जाता है, जेसीबी मलबा हटाती है, तो उसके तुरंत बाद जो बारिश होती है लेटेस्ट उससे और मलबा जो है चट्टान। जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके लिए सतर्कता बरतने वाली ये बात है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से सतर्क है, अपने स्तर पर वो भी काम कर रहा है। लोगों से भी अपील है कि वो भी एहतियात जरूर बरतें।